Please sit down. Please introduce yourselves. Tell me your names again so I can get to know you better. We wanted to ask, who is your favorite all-time actor? Internationally and nationally? Yeah. I like Mr. Amitabh Bachchan a lot. I think he's fantastic. I've grown up watching him. You knew it? Yeah. Then see, now you wasted your question. If you knew it, you should have. But I tweet to a lot of other actors also. It's not, I just... I think I've grown up watching him. And I really enjoyed... I mean, you know, in the 70s and 80s when I was growing up. So, humare liye sabse bade star Bachchan saab the, abhi bhi hai. Al Pacino. And I like Michael J. Fox. I don't know if you've seen him. He doesn't do any more films now. He's got Parkinson's disease. So, poor guy doesn't do any more work. But fantastic actor. But, Amit, tumhare kaun favorite actor? Sahi jawab dena. Al Pacino in Hollywood and you after Amit ji. Okay, thank you. I'll do it like me and do it like Amit ji then, okay, for you. First like me. Dawn ka intezaar to 11 mulkon ki police kar rahi hai, Sonia. Lekin Dawn ko pakadna mushkil nahi, namumkin hai. And if Amit ji, who actually inspired us to make this film, और हमें भी अभी लगता है कि हमने उतनी अच्छी फिल्म नहीं बनाई जितनी अच्छी उनकी थी, लेकिन वी एटलीस्ट गिव इट अ शॉट. हाय, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है सोनिया, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है. थैंक्स अ लॉट. व्हिच इज योर ड्रीम रोल एंड इन व्हिच मूवी यू वांट टू डू इट? ड्रीम रोल एक्चुअली यार, मेरे को कोई ऐसा रोल देते, मुझे सब ऐसे रोमांटिक रोल देते हैं सब. बिकॉज जब से मैंने अपने हाथ फैलाए हैं तो तब से मैंने अपना सर्कल ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स कम कर दिया है. वो सब यही कहते हैं कि ऐसे ही हाथ करो, लड़कियों से प्यार करो. आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई लाइक इट. इट्स अ गुड जॉब, यू गेट पेड फॉर हगिंग ब्यूटिफुल गर्ल्स एंड सिंगिंग टू देम. बट आई डोंट नो, नाउ आई वर्क फॉर सो मेनी ईयर्स. मैं ऐसा बोलता हूँ सबको कि जब मुझे कोई ऐसा रोल दे दें, उस रोल को मैं ड्रीम रोल बनाने की कोशिश करूँगा. आई डोंट लुक फॉर द ड्रीम रोल. सो विच एवर फिल्म आई गेट एट एनी गिवन टाइम. लोग बाहर से ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत चॉइस होती है फिल्मों की, लेकिन साल में 2-3 कर सकते हैं. सो वेन एवर आई गेट एन अपॉर्चुनिटी, जो भी मुझे फिल्म मिलती है, मैं उसको बहुत खुशी से करता हूँ, बहुत प्यार से करता हूँ. एंड आई थिंक दैट इज समथिंग दैट यू शुड ऑल्सो नो एज यंगस्टर्स, दैट जो भी काम मिले उसको बहुत प्यार से और लगन से करना चाहिए. बाकी हम यही सोचते रहें. मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनका नाम नहीं लूँगा, जो फिल्मों में एक्टर बनने आए थे, और हम सब साथ में आए थे और हम लोग बैठ के बातें करते थे रात को. तो मुझसे वो पूछते थे तुम क्या करोगे, तो मैंने कहा मैं टीवी से आया हूँ और मुझे जो भी रोल मिलेगा मैं करूँगा. मैं सुबह उठकर हमेशा काम करता रहूँगा, मैं 16 घंटे काम करूँगा. और मैं उनसे पूछता था कि तुम क्या करोगे, तो वो कहते थे जब तक हमको अच्छा रोल नहीं मिलेगा तब तक हम फिल्म में काम नहीं करेंगे. एंड काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक 20 साल में कोई अच्छा रोल नहीं मिला है. और मैं जो है 20 सालों से काम करता आ रहा हूँ और मुझे भी शायद अच्छा रोल नहीं मिला है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा काम मिला है. सो आई रियली एंजॉय व्हाट आई डू एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू शुड लीड योर लाइफ. जस्ट कीप डूइंग योर वर्क एंड फील हैप्पी दैट यू आर डूइंग इट. एनी डायलॉग फ्रॉम दैट मूवी कल हो ना हो, एंड दैट इज द मूवी वेरी क्लोज टू माय हार्ट. कल हो ना हो में कौन 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 सी पिक्चर थी, मैं ये भूल ही गया हूं कौन सी मूवी. निखिल अडवाणी की फिल्म थी, निखिल अडवाणी की फिल्म थी जिसमें हर नेम वाज नैना इन दैट. हां, ओके ओके. मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखता हूं, आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता, आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, क्योंकि तुम पलकों के अंदर रहती हो. पलकों के अंदर नहीं, उसमें जो है पॉकेट के अंदर रहती है. मेरे माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी के अंदर रहती हो, मीडिया कार्ड. नहीं, ऐसे तूने डायलॉग चेंज कर दिया थोड़ा सा. मैं आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखता हूं, आंखें नहीं, मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखना चाहता हूं. जब तुम पास नहीं होती तो मैं चारों तरफ महसूस करता हूँ. मेरे नैना, मेरी नैना को ढूंढते हैं. इसे तुम प्यार कहो, पागलपन, या मेरे दिल की धड़कन, एक ही बात है. Yeah? Amazing. It's a dream or reality. I am not. Let me pinch you and show you. No, you please ask me. Don't be nervous. Let me sit next to you so you don't feel shy. And now you can. When you'll see me in, why you want to see me in Hollywood films? You should not. I mean, I thought you were.
मेरे को ऐसा लगा तुम ऐसा इतनी प्यार से बात कर रही, तो बोलोगे व्हेन विल आई सी यू इन माय हाउस, व्हेन विल यू सी इन हॉलीवुड, मतलब इतना दूर मैं चला जाऊं। I will be in your house as soon as I get into a Hollywood film. No, I honestly don't. I don't know. I'm. मेरे पास मैं सबको ये बोलता हूँ, मैं जब LA भी जाता हूँ, हमारे को बहुत पसंद करने लगे हैं वहाँ पे, हमारी ये डॉन फिल्म से, रावण से, टेक्नोलॉजी से, तो मैं काफ़ी लोगों से वहाँ मिलता हूँ, और हमेशा मुझसे जब पूछते हैं तो मेरे पास कोई ऐसा स्पेशल टैलेंट नहीं है जो मुझको वहाँ पे ले, अनलेस एंड अनटिल वो कोई ऐसा ओवर 40 ईयर ओल्ड ब्राउन स्किन नॉट वेरी गुड लुकिंग काइंड ऑफ कैरेक्टर पिक्चर में डालना चाहे तो शायद मुझे ले लें, बट ना मुझे कंग फू आती तो मैं कंग फू नहीं कर सकता, इतना डांस भी नहीं कर सकता हूँ। आई थिंक वी हैव मच, आई थिंक माई ड्रीम इज टू मेक अ हिंदी फिल्म विच द वर्ल्ड वॉचेज, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि हॉलीवुड वाले उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट करें, और ऐसी कोई बोरिंग क्रॉस ओवर फिल्म नहीं है जैसी हमारी फिल्में होती हैं, मजाक की, गानों की और हंसी खेल की। सो माई ड्रीम इज दैट, एंड आई हैव बीन ऑफर्ड अ फ्यू फिल्म्स विच आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट बिकॉज इट्स नॉट फेयर, जैसे नहीं तो हर पेपर के अंदर आ जाता है इस हीरो को हॉलीवुड फिल्म मिल गई, इस हीरोइन को हॉलीवुड, सब झूठ है, बकवास है, किसी को नहीं मिलता मुझे, दो अंग्रेजों से मिलने तो हम समझते हैं हॉलीवुड फिल्म मिल गई। बट द ट्रूथ इज फिल्म होती है, अगर हम हॉलीवुड में करें कल होना हो वेरी हार्ड, अभी तो बनाई थी यार, अभी तो ऐसा तुम बात कर लो हमको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हो, अभी तो पार्ट टू मगर कैसे बनेगी, उसमें तो मैं मर गया था शायद, है ना, आजकल इंडियन मूवीज के वैसे ट्रेंड चेंज है, नहीं सर फिर वापस आ गया मैं, न्यू टेक्नो माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी से वापस आ गया। आई डोंट थिंक कल होना हम फिर से बना सकेंगे, लेकिन बहुत खूबसूरत फिल्म थी, मुझे बहुत, मैंने बहुत इंजॉय किया था, और मेरे लिए बहुत स्पेशल थी क्योंकि मैंने वो फिल्म एक्चुअली मेरी सर्जरी हुई थी, और जैसे ही मैं हॉस्पिटल से निकला था वो फिल्म मैंने बनाई थी, तो मुझे उसमें गाना भी था प्रिटी वुमन, उसको करने में 10 दिन लग गए बिकॉज आई कुडंट डांस बिकॉज आई टू मच पेन, सो इट वॉज अ वेरी स्पेशल फिल्म बिकॉज माई फ्रेंड्स मेड इट, निखिल मेड इट, करण मेड इट, प्रीति वॉज द SF, सो हैड अ ग्रेट टाइम, एंड या आई नॉट ट्राई टू रीमेक इट, मैं कोशिश करूंगा वैसी अच्छी फिल्म में और कोई बनाऊँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Who's not here, on behalf of them I thank you, and inshallah we'll have more associations, and let me tell you, I've been a little unwell, so I feel a little down in the days, so coming here has made me feel very very happy, so I want to thank all the families and all you guys from the press for giving me this wonderful evening of entertainment. Thank you so much, God bless you, thank you.